मोबाइल फ़ोन के अंदर रखा हुआ फ़ोटो देखते हुए जिस किसी का भी फ़ोटो देख करके आप उसे अपने वश में करना चाहेंगे, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको एक फ़ोटो लेना है, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो कागज़ के ऊपर बना हुआ फ़ोटो हो, या किसी का चेहरा आपके ध्यान में है, उसका ध्यान में रखते हुए चेहरा अगर आप छोटा सा ये टोटका करेंगे और छोटा सा ये उपाय करेंगे तो आप किसी को भी जीवन भर के लिए अपने वश में कर लेंगे। तो चलिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कैसे आप अपने प्रेमी को अपने वश में कर लेंगे, चाहे आप पत्नी का वशीकरण करें या पति का वशीकरण, या जिससे आपकी शादी लगी है उसने या उसके परिवार वालों ने आपको धोखा दे दिया है, तो आप उन्हें भी अपने वश में कर सकते हैं। एक साथ कई एक फ़ोटो रखकर आप बहुत सारे लोगों का भी वशीकरण कर सकते हैं बस एक ये छोटे से उपाय से। तो दोस्तों, इस उपाय को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, और जैसे जैसे यहाँ पर मैं बताऊँगा आप वैसे वैसे ही करिएगा, कुछ अपनी तरफ से अलग से मत करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं आपको क्या करना होगा। आपको एक फ़ोटो लेना है जिस किसी का आप वशीकरण करना चाहते हैं, एक फ़ोटो आपको लेना है और उसमें किसी और का फ़ोटो न लगा हो, क्योंकि जिसे भी आप देखेंगे वही आपके वश में होगा। अब आपको फ़ोटो के साथ में एक नींबू लेना है और 9 लौंग लेनी है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, ये इतनी आपको सामग्री लेनी है और इसकी कोई ख़ास कीमत नहीं होती है, कम से कम में ये आपको बाज़ार के अंदर मिल जाएगी। आप ये इतनी सारी सामग्री लेंगे और एक भोजपत्र लेंगे और उसमें आप ये फ़ोटो को और ये सारी सामग्री को रख देंगे। दोस्तों, अब आपको जो करना है वो अपने सबसे छोटी उंगली, दोनों हाथों की सबसे छोटी उंगली से आपको इस मंत्र का उच्चारण उसी उंगली के ऊपर करना है। ध्यान से समझ लीजिए कि जो आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली होगी उसी के पोड़ के ऊपर आपको 3 मरतबे इस मंत्र को पढ़ना है। आपको मंत्र इस तरीके से करना है, रीम रीम रीम, इस तरीके से पढ़ के आप फ़ोटो के ऊपर उंगली फिराएंगे और उसके वश में होने की प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, अब ये जो बची हुई सामग्री है इसे आप लेंगे और यही मंत्र को आप 1008 बार पढ़ेंगे और चौराहे पर जाकर पढ़ेंगे और ये सारी सामग्री को वहीं रख देंगे और फ़ोटो को सीधे अपने साथ अपने घर लेकर के चले आएंगे। आपको बस इतना करना है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, तब आपके समझ में बिल्कुल ये आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वशीकरण के टोटके को करना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इस टोटके को अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर करेंगे तो सबसे पहले आपको हमसे आज्ञा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपना कमेंट करके नाम लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।